पहला गाना यानी ढोलीडा हो चुका है रिलीज, और रिलीज होते ही कुछ ही घंटों के अंदर 13 लाख व्यूज जो है ऑलरेडी इस वीडियो पे आ चुके हैं। वेल, आलिया भट्ट के परफॉर्मेंस के बारे में और इस गाने के बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में। देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, ये गाना जो है डेफिनेटली आने वाले एटलीस्ट 2 से 3 साल तक नवरात्रि पे ये गाना जरूर बजेगा। अब ये पता नहीं कि नवरात्रि का सेलिब्रेशन कितना ग्रैंड होगा, कैसे होगा, कोरोना के चलते वो तो कुछ है नहीं सकते, लेकिन ये गाना नवरात्रि में जरूर बजेगा। जिस तरह से वो गुजराती गरबा जिस तरह से किया गया है, जिस तरह से म्यूजिक है, ऑब्वियसली संजय लीला भंसाली की मूवी है, इस मूवी से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। कास्ट भी बहुत तगड़ी है, आलिया भट्ट एंड अजय देवगन पहली बार एक साथ आने वाले हैं, तो उस मूवी के साथ साथ हमें इस कास्ट में जो चीज़ें देखने मिलने वाली है, जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टर पकड़ा है। पहले तो आलिया भट्ट को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा था, कह रहे थे कि यह कैरेक्टर कोई और कर देता, आलिया भट्ट के एज के साथ ये बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। लेकिन कसम खुदा की आपने ये वीडियो एक बार देख लिया, जहाँ पे आप देखोगे कि जिस तरह से आलिया ने इस गाने के ऊपर परफॉर्म किया है, क्या ही कहने। मतलब एक ऐसा पोर्शन है, आई थिंक कुछ 1:37 या 1:38 से शुरू हो रहा है, तब से लेके गाने के एंड तक 1 टेक में आलिया भट्ट ने जो है पिरुवट्स मारे हैं। जिस तरह से गोल 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 घूमते हुए जो गुलाल है वो उड़ाते हुए पूरे सर्कल में सारे लेडीज खड़े हैं, जो बैकग्राउंड डांसर्स हैं वो खड़े हैं 1 टेक में, क्योंकि वहाँ पे कोई फ्रेम चेंज नहीं हुआ है, वहाँ पे कोई भी स्कोप ही नहीं था, क्योंकि 1 टेक में जिस तरह से हम ट्रॉली जो है कैमरा की वो क्लियरली घूमते हुए नजर आ रही थी, क्योंकि आलिया ने बिल्कुल अमेजिंग वे में किया। अगर कोई और करता शायद चक्कर आके कोई इंसान गिर भी सकता था, इतने लंबे समय तक बैक टू बैक वो सर्कल्स पिरुवट जो होते हैं वो लगा रही थी। उसके बाद जो है बीच में रुखी लड़खड़ाते हुए भी नजर आई, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उस कैरेक्टर को पकड़ के इस वीडियो में अपना परफॉर्मेंस दिया है, इसके बाद आप जरूर आलिया भट्ट को हैट्स ऑफ कहोगे। और कसम से ये गाने को अगर आप देखोगे, ये गाना आपको कहीं ना कहीं गोलियों की लीला, रामलीला वाली जो मूवी है उसमें जो गाना है उसके साथ आप इसे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे। नगाड़ा संग ढोल बाजे कहीं ना कहीं उसी बीट्स पे है। ऑब्वियसली अभी ये गाना जो है अलग है, लेकिन बिकॉज नवरात्रि वाली फील आ रही है इसमें, गरबा वाली फील आ रही है, तो नगाड़े संग ढोल बाजे अगर आप सुनोगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा थोड़ी सिमिलैरिटीज इस गाने में आपको नजर आएंगी। अगर इस मूवी के इस गाने की बात करें तो इस मूवी को ऑब्वियसली म्यूजिक दिया है संजय लीला भंसाली ने ही, और गुजराती लिरिक्स इसमें आपको कई ज़्यादा जो है सुनाई देने वाले हैं। आलिया भट्ट का जो परफॉर्मेंस था स्टार्ट से लेके एंड तक, इट हैज़ बीन स्टुपेंडस। मतलब उसको कोई बीट ही नहीं कर सकता, जिस तरह से उन्होंने इस कैरेक्टर को पकड़ा है, स्टार्ट ही इतने धमाकेदार हुआ है, गाना काफ़ी अपबीट है, तो ये गाने के ऊपर एनर्जी लेवल बहुत तगड़ी लगेगी, ये आलिया को पता है। जो कि वो 1 टेक में किया गया है, एंड का पूरा जो ऑलमोस्ट 1:30 के आसपास का जो पोर्शन है 1 टेक में किया गया है, चक्कर आके कोई इंसान लड़खड़ाते हुए गिर भी सकता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पिरुवट्स मारे और फिर एंड में जो पर्सन ढोल बजा रहा है उसके यहाँ पे आके हाथ रख के रुक जाती है और वहाँ पे गाना जो है ख़त्म होता है। गाने का ऑब्वियसली अगर हम फील देखें, लुक देखें, संजय लीला भंसाली की मूवी है तो ग्रैंड सेट्स तो एक्सपेक्टेड ही है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सेटिंग की गई है, फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। अगर हम कॉमेंट्स की बात करें तो मैं फिलहाल आपको कुछ कमेंट्स सुना देती हूँ। संजय लीला भंसाली कैन नेवर गो रॉन्ग विद अ गरबा सॉन्ग, द कोरियोग्राफी, कॉस्ट्यूम, सेट, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट, आलिया इज जस्ट अनबिलीवेबल। कोई कह रहा है कि आलिया को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, उनके एक्सप्रेशंस, डांस स्टेप्स एक नंबर है। कोई कह रहा है लेट्स अप्रिशिएट द होल फैक्ट दैट द सीक्वेंस ऑफ द लास्ट पार्ट वॉज इन 1 टेक, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 1 टेक में किया गया है। कोई कह रहा है ब्यूटीफुल, हैवंट सीन एनी बॉलीवुड मूवीज सिंस फॉर एवर बट ईगर एंड एक्साइटेड टू वॉच दिस ऑन द बिग स्क्रीन। कोई कह रहा है आलियाज एक्सप्रेशन एट द एंड, शी हैज आउटडन हरसेल्फ एज गंगूबाई। तो ये गाना आप एक बार जरूर देखिए और आपको पता चल जाएगा कि ये गाना एक्चुअली कितने बड़े ग्रैंड स्केल पे है। क्या आपने इस गाने को ऑलरेडी देखा है, आपको कैसा लगा है गाना ये जरूर बताइए। इस गाने को मैं 10 में से डेफिनेटली 10/10 स्टार्स देने वाली हूँ। ऐसा कुछ भी कहीं पे भी लगा नहीं कि
कहीं पे कमतरता होगी, मतलब जिस तरह से वन टेक में किया गया है, फिर भी एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी गलत नहीं गए हैं, एक्सप्रेशंस को सही तरीके से पकड़ के परफॉर्म किया है स्टार्ट से लेके एंड तक। आपको लगेगा ही नहीं कि आलिया भट्ट डांस करिए, आप एक्चुअली वहाँ पे गंगूबाई को ही इमेजिन करोगे। और सेट की भी बात करें, परफेक्ट सेट है, बैकग्राउंड डांसर्स भी बढ़िया है, लाइटिंग भी बहुत अच्छी है, बैकग्राउंड सेटिंग अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, लिरिक्स बहुत बढ़िया है। तो गुजराती ऑडियंस स्पेशली नवरात्रि के टाइम इस गाने के ऊपर ग्रूव करते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट जो क्लब्स है, क्लबिंग में भी ये गाने को जरूर यूज किया जाएगा, क्योंकि ये गाना इतना अमेजिंग अपबीट है। जुम्बा में भी इस गाने को लोग आगे आने वाले दिनों में यूज करते हुए नजर आ सकते हैं। डांस वर्कआउट्स के ऊपर आपको जरूर इस गाने के ऊपर जो है वीडियोस भी देखने मिलने वाले हैं। तो इस गाने को मैं तो देने वाली हूँ 10/10 stars। आपको ये मूवी का गाना कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक लीव अ बाय, टेक केयर।